जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एसआई रिक्रूटमेंट के ऑनलाइन फॉर्म आज से शुरू हो चुका है। इतना जल्दी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आप लोगों का करवाया जाएगा कि एक महीने में ही आप लोगों का, लगभग बात करें तो 35 से 40 दिन बाद में आप लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन भी सीआरपीएफ कंडक्ट करवा लेगी। और इस बार काफी बड़े बदलाव आप लोगों के किए गए, तो बात करने वाले इस रिक्रूटमेंट के लिए आज से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं, तो कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, साथ ही इस बार आप लोगों की अलग अलग वैकेंसी कितनी रहने वाली, क्योंकि रिक्रूटमेंट हेड कॉन्स्टेबल का ही होगा और एएसआई का भी रिक्रूटमेंट होने वाला है, तो दोनों रिक्रूटमेंट के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी इलिजिबल रहेंगे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया सभी राज्यों के लिए रिक्रूटमेंट आया, मेल हो या फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं और काफी अच्छा रिक्रूटमेंट आया है। और लंबे समय के इंतजार के बाद में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए सीआरपीएफ में हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के पद पर भर्ती होने का एक सुनहरा मौका है। तो क्योंकि देखो एक ऑनलाइन अप्लाई के साथ ही एग्जाम की डेट भी आ चुकी है और आप सभी को पता है अब इस बार काफी बड़े बदलाव आप लोगों को हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल में देखने को मिलने वाले। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 35 नंबर ओबीसी एससी और एसटी के अभ्यर्थी लेके आएंगे और जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले 40 नंबर लेके आएंगे, उन सभी को क्वालिफाई किया जाएगा, रिटर्न एग्जामिनेशन में पास किया जाएगा। मिनिमम कट ऑफ पर पास करने वाला एक ही रिक्रूटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो है सीआरपीएफ हेड कॉन्स्टेबल। देखो इसको लेकर मैं पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को डिटेल से बता देता हूं, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें तभी जाके आप लोगों को ये सारी जानकारी समझ में आने वाली है। देखो सबसे पहले बात करते हैं, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर सीआरपीएफ भर्ती से जुड़ी कोई भी अपडेट आए तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज और यहां पर ये आपका 25 जनवरी 2023 को ये आप लोगों की क्लोजिंग डेट रहेगी और आज 4 जनवरी से आप लोगों के ऑनलाइन फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो कि सीआरपीएफ की साइट पर मिल जाएगा, साथ ही नोटिफिकेशन में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा, साथ ही लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो वैकेंसीज आप लोगों की, वो दो अलग अलग पोस्टों पर आई है। पहली पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की है, एएसआई की आप लोगों की रिक्रूटमेंट है और यहाँ पर टोटल 143 वैकेंसी आप लोगों के लिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए, जिसमें जनरल की 58 है, ईडब्ल्यूएस की 14, ओबीसी की 39 है और एससी की 21 है और एसटी की 11 है। और हेड कॉन्स्टेबल की बात करें तो हेड कॉन्स्टेबल की टोटल वैकेंसी 1315 वैकेंसी, जो कि काफी बड़ी वैकेंसी है, जिसमें अकेले जनरल कैटेगरी की 532 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 132 वैकेंसी है, वही 355 वैकेंसी आप लोगों के ओबीसी की है और 197 आपकी एससी की और एसटी की 99 वैकेंसी, टोटल 1315 वैकेंसी है। अब दूसरी बात आती है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर कि मैं एएसआई के लिए अप्लाई कर दूं और हेड कॉन्स्टेबल के लिए भी अप्लाई कर दूं, क्या दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता हूं, क्या एलिजिबल रहूंगा? तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, आप एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे एएसआई के लिए अप्लाई कर दो चाहे हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए कर दो, तो ये कंफ्यूज सबसे पहले आप लोगों का दूर होगा। दूसरी चीज, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट होगी वो भी बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात अपडेट बता देता हूं। यहां पर आप देख लीजिएगा, सैलरी काफी अच्छी होती है और काफी अच्छा और प्रोफेशनल जॉब होता है मिनिस्ट्रियल कलर का और प्रमोशन भी काफी अच्छा होता है, 4 साल बाद में आप डायरेक्टली एएसआई के पद पर भी यहां पर जा सकते हैं प्रमोटेड होकर, प्रमोट होकर। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर आप लोगों की रहेगी वो केवल और केवल 10+2 रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 10+2 मतलब अगर 12वीं पास है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, कितने भी परसेंट हो आप लोगों के, अगर आप 12वीं सिंपल पास है तो भी आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, यहां पर बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में, इस रिक्रूटमेंट में और क्या क्या, देखो पूरा नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, जिसमें आप लोगों की एज की क्रिटेरिया की बात करते हैं तो 18 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए भाई, 18 साल अगर आपकी मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज आपकी 25 साल है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन ये क्राइटेरिया रहेगा जनरल वालों के लिए, ये क्राइटेरिया जनरल वालों के लिए रहेगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आप 28 साल तक अप्लाई कर पाएंगे ओबीसी वाले, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आप 30 साल तक अप्लाई कर पाएंगे एससी और एसटी को, ये आप लोगों को छूट यहां पर मिलने वाले। मिनिमम जो आपकी हाइट रहेगी वो रहेगी 165 सेंटीमीटर हाइट में आप लोगों को छूट दी जाएगी और इस बार काफी बड़े बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप लोगों का होगा इस बार कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, जी हाँ दोस्तों सीबीटी आप लोगों का इस बार होने वाली है और सीआरपीएफ खुद एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, ऑनलाइन एग्जाम आप लोगों का होने वाला है। इससे पहले आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट आया था वो 2016 में रिक्रूटमेंट आया था, 550 के लगभग वैकेंसी थी, जिसका 2017 में यहाँ पर एग्जाम करवाया गया था फिजिकल के बाद में,
उस समय सबसे पहले आप लोगों का पीटी हुआ था, लेकिन इस बार सबसे पहले रिटर्न एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है। और रिटर्न में मैं आप लोगों को बता दूं, जनरल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 40 नंबर ले आना, आपको रिटर्न एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन आपको 40 नंबर नहीं लेके आने, आपको 40 से ज्यादा नंबर लेके आने अगर आपको फाइनली सिलेक्शन होना है। बाकी अगर 40 नंबर लेके आएंगे तो सभी बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ओबीसी वालों को 35 पे भी बुलाया जाएगा। ऐसा दोस्तों 2016 वाली भर्ती में भी हुआ था, क्योंकि देखो 2017 में आपकी जो रिक्रूटमेंट था उसमें 200 नंबर का पेपर हुआ था और 200 मार्क्स का आप लोगों का 200 क्वेश्चंस यहां पर आए थे, जिनमें से जनरल वालों को 80 नंबर लाने पर सभी अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था और ओबीसी वालों को 70 नंबर लाने पर सभी को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल हुआ था। मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, 2016-17 की भर्ती में मैं भी था उस समय और मैंने भी रिटर्न क्वालिफाई किया था और मेरे नंबर 150 नंबर थे, लेकिन फिर भी मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मेरी टाइपिंग की स्पीड है वो अच्छी नहीं थी और मेरे दिन में जो टाइपिंग में बच्चे बुलाए गए थे वो 300 अभ्यर्थी बुलाए गए थे और उस दिन 300 में से मात्र 3 ही अभ्यर्थी ऐसे थे जो टाइपिंग में क्वालिफाई हुए थे, बाकी सभी बच्चे टाइपिंग में छट गए थे। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें टाइपिंग टेस्ट। लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी आपकी बेहतरीन होगी तभी आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे, बाकी आप टाइपिंग के लिए 40-45 पे ही आप लोगों को बुला लिया जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इस रिक्रूटमेंट के एग्जाम को लेकर एग्जाम डेट आ चुकी है, एग्जाम आप लोगों का बहुत जल्दी करवाया जा रहा है क्योंकि काफी लंबे समय के बाद में वैकेंसीज आई और वैकेंसी काफी खाली पड़ी आप लोगों की सीआरपीएफ में हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की, और सीआरपीएफ को जरूरत है कि जल्दी से भर्ती करवाए और हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो पूर्ति है वो जल्दी से करे, क्योंकि काम का जो लोड है वो बहुत ज्यादा है सीआरपीएफ पे, क्योंकि जितना भी क्लरिकल काम होता है वो मिनिस्ट्रियल वाले भी यहाँ पर हैंडल करते हैं। तो मिनिस्ट्रियल कलर की वैकेंसी 6 साल से नहीं आ पाई है, तो ऐसे में काफी ज्यादा हेड कॉन्स्टेबल की कमी है। अगर बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम डेट आप लोगों की सीआरपीएफ ने बता दी है, एग्जाम आप लोगों का 21 फरवरी से ही शुरू हो जाएगा और 28 फरवरी तक आप लोगों का एग्जाम चलने वाला है। भाई देखो एग्जाम की डेट आ चुकी है और अब आप लोगों के पास में बहुत कम समय बचा है, जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं उसके बाद में सीधे रिटर्न पे फोकस करना, क्योंकि रिटर्न के बेसिस पे ही आप आगे फाइनल सिलेक्शन तक जा सकते हैं, साथ ही टाइपिंग की तैयारी भी साथ साथ में शुरू कर देना। उसके साथ मैं बता देता हूं, अगर आप हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक महीने में बेहतरीन तैयारी कर लूं, तो देखो सब कुछ आप लोगों को वर्दी बेच में मिल जाएगा और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि अगर आप इससे तैयारी करेंगे तो आपको 100% रिटर्न में कोई फेल करने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि मिनिमम कट ऑफ पे आप लोगों के कट ऑफ लगने वाली है और अगर आप बेहतरीन तैयारी करेंगे और अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप इस वर्दी बेच से फाइनली तौर पर मिनिस्ट्रियल क्लर्क भी बन सकते हैं। देखो इस आपके लिए स्पेशल बेच आया, एक महीने में आप डेडिकेटेड होकर बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ये वर्दी बेच आप लोगों के लिए जिसमें आपको आर सब्जेक्ट की क्लासें आप लोगों को दी जा रही है, आर सब्जेक्ट की क्लासें आप लोगों को मिलेगी, साथ बेस्ट फैकल्टी के साथ बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाएगा, हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के लेवल तक आप लोगों के सारे क्वेश्चन कवर करवाएंगे, साथ ही आप सभी को पीडीएफ नोट्स भी दी जाएगी। जो भी क्लास चलेगी आपकी, अगर आपकी हिंदी की क्लास चल रही है उसमें अलंकार पढ़ाया जा रहा है तो अलंकार जितना भी आप लोगों को बोर्ड में पढ़ाया जाएगा उनके पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों को उसी क्लास के आगे मिल जाता है और ये सब कुछ मात्र आपको 299 रुपए में दिया जा रहा है बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर। तो अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और अभी से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर दे। अब देखो मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर देता हूं, इस बार सिलेबस में काफी बड़े बदलाव किए गए, 200 की जगह इस बार आप लोगों के 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 ही मार्क्स का आप लोगों का पेपर यहाँ पर रहने वाला है। अब देखो मैं आपको लोगों को बता दूं, इस बार अगर आप 35 नंबर लेके आएंगे, अगर आप ओबीसी या फिर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 40 नंबर पे ही आप लोगों को टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा, फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। लेकिन अगर आप रिटर्न में अच्छा स्कोर करेंगे तो आपके आपको फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा इसमें आराम से। अब देखो दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं, इस रिक्रूटमेंट के लिए सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको रिटर्न एग्जामिनेशन देना होगा, उसके बाद में आपको फिजिकल देना होगा, उसके बाद फिजिकल के साथ ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट होगी, फिर आप लोगों का मेडिकल होगा और उसके बाद में रिव्यू मेडिकल होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर फाइनली सिलेक्शन आप लोगों का होने वाला है। अब दूसरी बात मैं बता देता हूं, ये वैकेंसी आपकी ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है, चाहे आप किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल, सभी के लिए रिक्रूटमेंट आया, सभी इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी आप लोगों का डाउट आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में सभी के डाउट क्लियर करेंगे। तो आज से आप लोगों के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट की मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो रहने वाली है यहाँ पर 25 तारीख। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, लास्ट डेट की बात करें तो 25 जनवरी लास्ट डेट है और उसके एक दिन मतलब जैसे आप लोगों की लास्ट डेट होगी उसके एक महीने में आप लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन भी सीआरपीएफ कंडक्ट करवा लेगी। तो काफी अच्छी वैकेंसी, इतना जल्दी प्रोसेस सीआरपीएफ की तरफ से करवाया जा रहा है तो आप आराम से हेड कॉन्स्टेबल कलर्क के पद पर भर्ती हो सकते हैं। तो अभी से डेडिकेटेड होकर वर्दी बेस से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। देखो इसमें आपका सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है, 25 क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश के रहेंगे, हिंदी बहुत इजी आती है, बाकी हिंदी में सारे के सारे टॉपिक कवर करवाए गए, उसमें अलंकार है, संधि है, उसके साथ ही छंद है,
उसके साथ ही कवि रचनाएं हैं, तद्भव तत्सम देश सज विदेश सज, मतलब सारे टॉपिक बेसिक से कवर करवाए गए उसमें, और उनकी पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों को वर्दी बेच में मिल जाएगी। उसके साथ ही मैथ के सारे टॉपिक करवाए गए, रीजनिंग के सारे टॉपिक करवाए गए। जनरल एप्टीट्यूड की मैं बात करूं तो जनरल एप्टीट्यूड होता क्या बच्चों, देखो जनरल एप्टीट्यूड को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था बच्चों की, सर जनरल एप्टीट्यूड आखिर होता क्या, क्या जीके को ही बोलते। देखो मैं क्लियर करता हूं, जनरल एप्टीट्यूड होता है वो एक बौद्धिक क्षमता, आपकी बौद्धिक क्षमता चेक की जाती है, उसमें आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, मैथ के भी क्वेश्चन आते हैं और जीके भी क्वेश्चन आते हैं, तीनों को मिलाकर ये बनाया जाता है, काफी ये होता है, आप आराम से कर सकते हैं, और वो भी सब कुछ आपको रीजनिंग मैथ में पढ़ाया गया सारे टॉपिकों में। तो अभी से आप बेहतरीन तैयारी करके हेड कॉन्स्टेबल के लिए सिलेक्शन ले सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपके पास में आपकी मार्कशीट होनी चाहिए 10th 12th की, उसके साथ ही आप लोगों को एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए, उसके साथ ही में आप लोगों को डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए फाइनली सिलेक्शन तक आराम से जा सकते हैं, फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।